स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली। स्टूडेंट्स, हमने नंबर 13 स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। अब इसके बच्चे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, 13.2 एक्सरसाइज वी आर डूइंग। अब बच्चे, इस एक्सरसाइज का थर्ड सम है। थर्ड सम देखिए, रहमान इज मेकिंग अ व्हील। रहमान एक व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स, स्पोक्स यूज करके। व्हील के अंदर के इसको जो होते हैं उनको स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब कि उनके बीच के जो एंगल्स बनेंगे वो बिल्कुल इक्वल आए। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। एक उन्होंने हमें बच्चे टेबल दिया है जो कि कंप्लीट नहीं है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ। ये बच्चे टेबल दिया हुआ है हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पर है बच्चे नंबर ऑफ स्पोक्स। आपकी बुक्स में टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे है एंगल बिटवीन देम। ओके, यहाँ पे एंगल है, स्पोक्स है हमारे पास। पहले 6 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 स्पोक्स हैं, फिर 10 स्पोक्स हैं, और लास्ट में 12 स्पोक्स हैं। और पहले का आंसर हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और दूसरे का आंसर हमें दिया हुआ है बच्चे 60 डिग्री। अगले तीनों के हमने एंगल्स निकालने हैं। ऑलराइट, अब देखिए, सबसे पहले हमें इनके एंगल्स निकालने हैं। आपको पता है मेजर एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ना एंगल। नंबर ऑफ स्पोक्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। मतलब कि ये क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। अब देखिए, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सॉरी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे स्पोक्स, वैसे वैसे जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि इनके बीच में क्या हो गया, हेयर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनके बीच में बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अगर इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमें सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो एंगल्स फाइंड आउट करते हैं हम। देखिए, जब स्पोक्स 8 होंगे, वेन देयर आर एट स्पोक्स, जब 8 स्पोक्स हैं तो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजेक्टिव स्पोक्स, ये पूरी बच्चा अपनी लाइन ऐसे ही लिखनी है, कंजेक्टिव स्पोक्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए कितने का एंगल होता है, 360 डिग्री का। ऑलराइट, और कितने स्पोक्स है, 8, तो कितने का एंगल आ गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। उसी तरह से हम सेकेंड एंगल के लिए निकाल लेंगे। सेकेंड कितने स्पोक्स है हमारे पास, अब नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स हैं 10, तो एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया, 36 डिग्री एंगल। तो एंगल आ गया यहाँ पे 36 डिग्री। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्पोक्स है 12, तो एंगल क्या हो जाएगा उनके बीच का, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो कटिंग करके कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 30 डिग्री। टेबल हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसने कहा है कि कुछ आंसर्स हैं, हमें इनके क्वेश्चन इनके आंसर देना। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमने पहले ही कहा कि एंगल इंक्रीज हो रहा, सॉरी स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल डिक्रीज हो रहा है। स्पोक्स इंक्रीज, एंगल डिक्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला आंसर क्या हो गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑलराइट, इसका रीजन आप लोगों को पता ही है। इसका रीजन क्या है कि जो स्पोक्स है, नंबर ऑफ स्पोक्स वो इंक्रीज हो रहे हैं तो एंगल डिक्रीज हो रहा है। अब सेकंड है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। कहते हैं अगर 15 स्पोक्स होंगे तो एंगल क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगर 15 स्पोक्स होंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 15, तो एंगल क्या बनेगा बच्चे, 360 डिग्री अपॉन 15, तो कटिंग करवा के क्या आंसर आ जाएगा, 24 डिग्री आंसर। ऑलराइट, तो ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल इज 40 डिग्री। अब उसने बोला अगर एंगल 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ स्पोक्स क्या आएंगे। अब देखिए, एंगल कितना हमें दिया हुआ है, 40 डिग्री। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ स्पोक्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, तो वो किसके इक्वल आ गए, टोटल 9 स्पोक्स।
ये हो गया बच्चे आपका थर्ड पार्ट का आंसर. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. अब इसी के साथ बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कुछ इतना टफ नहीं है बच्चे, ये क्वेश्चन इजी है, इजी था थर्ड क्वेश्चन. अब नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स, कहता अगर स्वीट्स का एक बॉक्स है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर उसे हमने 24 बच्चों में डिवाइड कर दिया, देन वील गेट 5 स्वीट्स. तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिली, मतलब 24 बच्चों को, मतलब 24 बच्चे थे, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिली. ऑलराइट, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4. अगर चार बच्चे कम हो गए तो नंबर ऑफ स्वीट्स हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो बच्चे बहुत ईजी है, ऑब्वियसली ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन के जैसे ही है. हर चाइल्ड को कितना स्वीट्स मिला? ईच चाइल्ड गेट्स 5 स्वीट्स. सबको कितने स्वीट्स मिले? 5 स्वीट्स मिले. तो 24 चिल्ड्रन थे टोटल, 24 चिल्ड्रन टोटल चाइल्ड, टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 24. तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने आ गए? 24 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि टोटल कितने स्वीट्स थे? 120 स्वीट्स थे. अब अगर 24 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन कम हो गए, 4 चिल्ड्रन कम हुए, इफ द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर 4 चिल्ड्रन कम हो गए तो कितने चिल्ड्रन बचे? देन चिल्ड्रन लेफ्ट कितने हो गए? 24 माइनस 4, यानी कि अब टोटल 20 चिल्ड्रन बचे. ऑलराइट, तो अब हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे? नाउ ईच चाइल्ड गेट्स कितने स्वीट्स मिलेंगे? 120 अपॉन 20, क्योंकि 120 से टोटल स्वीट्स और बच्चे हैं 20, तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितने स्वीट्स आ जाएंगे? 6 स्वीट्स. हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे? 6 स्वीट्स मिलेंगे. ऑलराइट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि करना क्या है और करना कैसे है. इसी के साथ बच्चे चलते हैं हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. 6 डेज पे फार्मर के पास 6 डेज के लिए 20 एनिमल को फीड करवाने के लिए इनफ फूड है. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स. अगर 10 एनिमल्स और हो जाते तो वो फूड कितने टाइम तक टिकता? बच्चे ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितने एनिमल बढ़ेंगे फूड कम होता जाएगा, मतलब फूड के डेज कम होते जाएंगे. अलर्ट, तो लेट कर लो पहले, लेट जो हमने निकालना है द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, मतलब नंबर ऑफ डेज एक्स है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स अब कितने बड़े हैं? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स अब कितने हो गए? पहले 20 थे, 10 बढ़ गए, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स? 30 हो गए. तो इसका अगर हम टेबल बनाए तो वो टेबल कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे हम एनिमल्स और यहाँ पे रखेंगे डेज. अगर 20 एनिमल्स हैं तो 6 डेज चला, और अगर 30 एनिमल्स होंगे तो कितने दिन चलेगा? एक्स डेज. तो अभी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम वही, 20 अपॉन 30 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स. ऑलराइट, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है. ऑलराइट बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, एक्स अपॉन 6 आएगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है बच्चे, इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, तो अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के बच्चे क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास? बड़ी टर्म इनवर्स में हम बड़ी टर्म नीचे रखें ना, इसलिए दोनों 6 को और 30 को नीचे रखें. तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 × 6 अपॉन 30, तो कट कट आके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि 4 डेज, 4 डेज ही लास्ट फूड उसके पास रहेगा अगर 30 एनिमल्स हो जाएंगे. क्लियर हुआ बच्चे? 4 डेज आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. बहुत इजी था, इसमें इतना कुछ तो मुश्किल नहीं था. अगर फिर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी अगेन, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी. इसी के साथ बच्चे हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे. सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवाइव जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज. एक कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि जसमिंदर के घर पे वायरिंग करने के लिए
चार दिन लगेंगे अगर 3% यूज होंगे। इफ ही यूजेस 4% इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 4 की जगह 3% यूज करता है तो वो कितने दिन में उनका जो काम है कंप्लीट होगा। तो लेट कर लेते हैं कि जो काम है उनका कंप्लीट होने के लिए एक्स डेज जाएंगे। लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब इज एक्स, टू कंप्लीट जॉब इज एक्स। ओके, ये इसको हमने एक्स ले लिया। तो अब एक टेबल क्या बनेगा, टेबल क्या बनेगा बच्चे, कि पर्संस अपॉन टाइम टेकर, है ना। कितने पर्संस थे, 3% थे, तो उसने कितने दिनों में काम खत्म किया, 4 days। मगर 4% होंगे तो कितने डेज में काम खत्म करेगा, हमने एक्स ले लिया। अब इसमें क्या आ जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 4/4, 4 की 4 से कटिंग हो गई, x कितना आ गया 3। तो मतलब उसे कितने डेज लगेंगे, 3 days लगेंगे टू कंप्लीट जॉब। ऑलराइट, तो ये था बच्चे 6th क्वेश्चन। इजी था, इसमें भी कुछ इतना स्टूडेंट्स टफ नहीं था। इसी के साथ हम चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन 7 है, अ बैच ऑफ बॉटल्स, एक बॉटल्स का बैच है, वाज पैक्ड इन 25 boxes। उन्हें क्या किया, 25 boxes में पैक किया विद 12 bottles ईच। तो हर बॉटल में 12, हर बॉक्स में 12 bottles हैं। मतलब एक अगर हम बनाए बॉटल्स का बैच और एक बनाए बॉक्सेस का, है ना। अगर 25 box है तो हर बॉक्स में 12 bottles हैं। और अगर अगर कहता है 20 bottles होंगी हर बैच में, अगर हर बैच में 20 bottles होंगी तो कितने बॉक्सेस होंगे, तो बॉक्सेस कितने होंगे, हमने एक्स ले लिया। लेट द बॉक्सेस बी एक्स। ओके, अब इसमें भी बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, क्या आ जाएगा, 12/20 इज इक्वल टू x/25। बड़ी टर्म्स नीचे, छोटी टर्म्स ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की क्या वैल्यू आ गई, 25 × 12/20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो टोटल अब 15 बॉक्सेस होंगे अगर 20 बॉटल्स को प्लेस करना है। सो वी नीड, नहीं, वी फिल 15 सच बॉक्सेस। ऑलराइट, इसी के साथ बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट। चलते हैं हम बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान से समझे तो। क्वेश्चन 8 है बच्चे, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days। मतलब एक फैक्ट्री को टोटल 42 मशीन्स यूज करती है, 42 मशीन्स यूज करती है 63 days में आर्टिकल लिखने के लिए। एंड हाउ मेनी मशीन्स बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 days। अगर 54 days में, मतलब ये हो गया डेज और ये हो गई नंबर ऑफ मशीन्स, ऑलराइट, कितना उसे टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने के लिए। तो इसे आप ले लीजिए एक्स, ठीक है। अगर इसको एक्स ले लिया तो इसको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें देखिए, ये बच्चे एक इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मशीन्स जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, नंबर ऑफ डेज उतने ज़्यादा कम हो, मतलब जितनी मशीन्स उतने कम डेज होंगे ना। तो अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 54/63 इज इक्वल टू x/42। ऑलराइट, नहीं, इसमें बच्चे 42/x आएगा, 42 ऊपर रहेगा x नीचे रहेगा। ऑलराइट, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 42 × 63/54। तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 49। मतलब टोटल कितनी मशीन्स चाहिए, मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 49 फॉर 54 days। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन। एक कार को 2 घंटे लगते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, अगर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
ऑलराइट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है तो उससे क्या क्या टाइम लगेगा। एक हम बनाते हैं स्पीड का कॉलम, एक बनाते हैं टाइम का, ठीक है। स्पीड क्या है बच्चे, 60 किलोमीटर पर आ, और कितना टाइम लगा, 2 आवर्स, ठीक है। अब स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आ, लेकिन टाइम हमें नहीं पता, उसे हमने ले लिया एक्स। लेट कर लो द टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या होगा, इसमें भी बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 80 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन 80, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3/2। अगर 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितने आवर्स आ जाएंगे, 1 × 1/2 आवर्स, यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा, उसे 1.5 घंटा लगेगा। ऑलराइट, तो 1/2 आवर्स उसे लगेंगे कार से अपना डेस्टिनेशन कवर करने के लिए, अगर उसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर हो गया बच्चे, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा लेट टाइम टेकन बाय कार बी एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 × 1/2 एन आवर्स, मतलब 1.5 घंटा उसे जाएगा 80 किलोमीटर की आवर से उसे कम कवर कर देंगे। चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको कोई डाउट्स हुए यू कैन आस्क स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 है बच्चे, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। दो लोगों को 3 दिन लगे नई विंडोज घर में डालने के लिए। फर्स्ट पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन फेल इन बिफोर द वर्क स्टार्टेड। अगर एक बंदा उसमें से बीमार हो गया, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक, ना मतलब उसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्टी करते हैं, मतलब एक कॉलम हो जाएगा पर्सन का और एक कॉलम हो जाएगा डेज का। अब अगर दो बंदों को 3 दिन लगे काम करने में और उसके बाद एक बंदा बीमार पड़ गया, मतलब एक बंदा रह गया, तो कितने दिन जाएंगे उसके। सेम वही इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आएगा इसमें, दैट 2/1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि 6 days। कितना टाइम जाएगा उसको, 6 days जाएंगे। अब सेकेंड पार्ट उसमें क्या है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। अगर एक दिन में ही हमने विंडो फिट करनी है, यानी कि देखिए इसका भी सेम यही है, यहाँ पे रहेगा पर्सन और यहाँ पे रहेगा डेज। पहला तो यही रहेगा, 2 दिन, 2 पर्सन 3 दिन लगे। अब उसने कहा कि एक ही दिन में काम करवाना है, लेकिन जो पर्सन है वो एक्स है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, देखिए अब एक दिन में काम हुआ, मतलब ज्यादा बंदे लगे ना, तो मतलब एक्स बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/x इज इक्वल टू 1/3। ऑलराइट, तो क्या हमारे पास वैल्यू, इसको क्या बच्चे क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 पर्सन। यानी कि एक दिन में काम करवाने के लिए हमें कितने बंदे चाहिए, 6 पर्सन चाहिए। ऑलराइट, बहुत इजी था बच्चे, इसमें भी कुछ इतना टफ नहीं था। चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। मतलब कि एक स्कूल में बना लीजिए कॉलम, जो पीरियड्स हैं 8 पीरियड्स हैं, और कितना टाइम का है हर पीरियड, टाइम ऑफ ईच पीरियड, या यू कैन से ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड क्या है, 45 मिनट्स है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अगर 9 पीरियड्स होंगे तो कितना टाइम जाएगा उसको, हम ले लेते हैं एक्स। लेट कर लो, लेट द ड्यूरेशन लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी एक्स। और उसने क्या एज्यूम करो द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। नंबर ऑफ स्कूल आवर्स उतने ही रहेंगे, मतलब कि अगर आपका स्कूल 7 से 2 लगता है तो 7 से 2 ही लगेगा, बस एक पीरियड इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितना ज्यादा पीरियड्स होंगे उतना ज्यादा टाइम कम होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे इसमें, 8/9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 45। यही होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे हम इन दोनों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 45 × 8/9, 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स का क्या होगा बच्चे, पीरियड होगा 40 मिनट फॉर ईच
पीरियड। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।